Assalamualaikum, I'm Sipa Bakhtiar and I'm here at Ocean Mall for the screening of the short films of Mera Sheher Meri Kahani. For me, this is a very, very important platform for young budding filmmakers to come up and talk about what really matters to them, जो हमारे माशरे में issues हैं, जो मसले मसाइल हैं. उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको कोई जगह मिले जहाँ पर वो अपने ख्यालात का, अपनी सोच का, अपने एहसासात को बयान करें. और एट द सेम टाइम वी नीड क्रिएटिव आर्टिस्ट. इस वक्त जो हमारा सिनेमा बढ़ रहा है, सिनेमा बढ़ेगा तभी जब नए फिल्म मेकर्स आएंगे और इनको हम इंकरेज करेंगे, सराहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही ये बनेंगे. और जब इनकी अपनी आवाज़ों में फिल्में आएंगे, जो कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर टू हियर देयर ओन वॉइसेस ऑफ देयर ओन थॉट्स एंड देयर ओन हार्ट्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए. और मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने 30 साल गुजारे इंडस्ट्री में, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना. एंड वी मस्ट सपोर्ट एंड वी मस्ट क्रिएट मोर सच प्लेटफॉर्म्स. दिस इज़ अ ग्रेट एंडेवर एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस. आई होप टू सी इट हैपनिंग एवरी ईयर. अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट AZ कॉर्पोरेशन ऑन कंडक्टिंग अ सक्सेसफुल वीडियो कॉम्पिटिशन. एंड डेफिनेटली ये कराची का सबसे लार्जेस्ट वीडियो कॉम्पिटिशन है और कराची के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अनबाइस तरह का इसमें डिसीजन लिया जाएगा इंशाल्लाह. इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो डिसीजन लेंगे कि कौन इस पे विनर है. सो मैं सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और AZ कॉर्पोरेशन को मैं एक दफा फिर कॉन्ग्रेट करता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने कराची में करवाई. बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन. थैंक यू सो मच. देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं और स्मार्टफोन्स ने इंसिडेंटली हमको बहुत अनस्मार्ट कर दिया है. हम रिमोट हो गए हैं, हमें सोशल करने के बजाय एंटी सोशल कर दिया है. इस तरह के कॉम्पिटिशन जो हैं ये हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं टू नो व्हाट आर यंगस्टर्स वांट, व्हाट दे थिंक अबाउट द कंट्री, व्हाट दे थिंक द फ्यूचर शुड बी, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस एंड व्हाट दे थिंक अबाउट अस. सो यूथ बींग द एक्चुअल फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री of the actual investment of any country, competitions like these they give us an insight into what they are thinking. That's very important. Ek baat to ye, because okay, judging these I would rather go for the idea, I would rather go for the original thinking rather than technical stuff, because obviously technically hum nahi main judge karunga usko, but content wise I would be judging what the content would be. And I hope that the best content wins. I'm sure they will. Assalamu alaikum ji, my name is Fizali Mirza. I am a small time producer from Pakistan and I'm very, very happy to be here on the red carpet of this film festival which is organized by ASCOP. I think it's a great initiative. Beautiful to see that, you know, people are making effort to come out and make films which can put light on the social issues and stuff that we don't like to talk about, so called taboos. I think it's very important for Pakistan now to have its own identity of cinema, and it is a great step and achievement. Thank you so much. Assalamu alaikum ji, my name is Irfan Malik. I head the film division at AAVI. Very excited to be part of this event that ASCOP has created, Mera Sheher Meri Kahani. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, वो किन सब्जेक्ट्स पे काम कर रही है. और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वर्क पहले भी और बहुत इंकरेजिंग है. ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे सेफ लोगों के हाथ में है. तो आज भी कुछ ऐसा ही है. आई वॉन्ट टू सी कि क्या किया है उन्होंने. डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म आज हम देखेंगे एंड आई एम होम कुछ बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी हम आज देखेंगे. So best wishes to ASCOP Entertainment and all the participants. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Anjun Malik. This week I'm at Cinepax. I'm here as a judge for a short film festival where many students, Pure Pakistan se, have given their films, and well, the subject they have selected are on social issues. And the reason why I'm here, A, is on issues, and dusri baat ye ki I think we should promote these young directors. And I'm looking forward to their work, and I've heard they've done brilliant work too. Assalamu alaikum, my name is Nida Aslam, and I won the second prize. Thank you to ASCORP for having this lovely festival. And second prize not a bad thing. And I really want ke inshallah next year bhi main inke liye kuch banau. Thank you so much.